श्री बेलेश्वर धाम स्कंद पुराण के पावन केदार खंड में मूल रूप से है। पुराण के अनुसार महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव गोत्र हत्या के निवारण हेतु भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप गोत्र हत्या पाप से मुक्त तभी हो पाएंगे जब आपको केदार खंड में भगवान भोले शंकर के दर्शन होंगे। पांडवों ने हिमालय में आने का संकल्प लेकर सर्वप्रथम हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए गणेश प्रयाग से टिहरी पहुंचे। यहां से मध्य हिमालय प्रारंभ होता है, तो भगवान शंकर ने दर्शन न देने की सोची तो छल करने लगे। सर्वप्रथम इस स्थान पर अर्जुन को एक अनोखा सुअर दिखाई दिया। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से बाण सुअर पर चलाया, परंतु कभी ना निष्फल होने वाला बाण सुअर पर नहीं लगा और निष्फल हो गया। ऐसा होने पर अर्जुन सोच में पड़ गए। इतने में ही भील रूप धारण किए भगवान शंकर ने अपने मांझे से सुअर पर प्रहार किया। अर्जुन को यह समझते देर न लगी, उन्होंने भील के पैर पकड़ने चाहे, परंतु भील रूप धारण किए भगवान शंकर देखते देखते लुप्त हो गए। तुरंत पांडव समझ गए ये भील नहीं स्वयं भगवान भोले शंकर जी थे। उन्होंने केमर पट्टी के बेलेश्वर में शिवलिंग की स्थापना कर छोटा सा पत्थरों का एक मंदिर बना दिया, जिसे नाम दिया गया भिलवेश्वर। आगे चलकर भिलवेश्वर और अब बेलेश्वर हो गए। तृतीय मान्यता के अनुसार यहां 360 बेलपत्र के पेड़ हैं, उनमें से एक स्वर्ण पत्र वृक्ष भी है, परंतु पहचान ना होने के कारण कोई प्राप्त नहीं करता। इसी वृक्ष की स्वर्ण पत्र श्री केदारनाथ पर चढ़ाई गई। श्री केदारनाथ में आज भी जब पूजा शुरू होती है तो श्री गणेश के साथ श्री बेलेश्वर नाम से प्रारंभ होती है। इसी कारण इसे प्रथम केदार की संज्ञा दी गई और इसका नाम बेलेश्वर महादेव के नाम से और प्रथम केदार खंड के नाम से जाना गया।